All right, that's the big story we're tracking this morning. I'm Gargi Rawat. But first, today is the last day of campaigning in Maharashtra and Haryana. Prime Minister Narendra Modi attending a rally in Palghar in Maharashtra. Let's listen in. विदेशों की जेलों में सड़ रहे थे, कोई जवाब नहीं दे रहा था। हिंदुस्तान के गरीब परिवार दिल्ली सरकार के दरवाजे खटखटा रहे थे कि हमारे बच्चे नौकरी करने गए थे, मजदूरी करने गए थे, कोई टर्नर था, कोई फीटर था, कोई प्लम्बर था, कोई वायरमैन था, गरीब परिवार के लोग, पता नहीं बच्चे कहां गए, 3 साल हो गए, कोई अता पता नहीं चलता है। भारतीय सरकार बनने के 100 दिन के भीतर भीतर इन विदेशी ताकतों से बात की, भारत के नौजवानों की चिंता जताई, और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं वो सारे नौजवान भी अपने घर वापस आ गए, सुख चैन की जिंदगी जी रहे। भाइयों बहनों, जो लोग हमारा हिसाब मांग रहे हैं उनको कभी न मछुआरों की याद आई, न गरीब परिवार की बेटियों की याद आई, न गरीब मां बाप के बेटे जेलों में सड़ रहे थे उनकी याद आई। अगर चिंता की तो हमने की है भाइयों, और इसलिए मैं कहने आया हूं भाइयों, अब ये पालघर जिला अपना पालने में झूल रहा है। मुझे बताओ भाई, बच्चा अस्पताल में पैदा हो लेकिन बाद में तो बड़ा आप ही को करना पड़ता है ना, देखभाल आप ही को करनी पड़ती है ना, उसका ख्याल आप ही को रखना पड़ता है ना, कि डॉक्टर रखता है, आप ही को रखना पड़ता है ना। तो अब पालघर का जन्म हो चुका है, उसको बड़ा कौन बनाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? भाइयों बहनों, दिल्ली सरकार से कोई बड़ी सरकार है जो इसकी देखभाल कर पाए, इसकी चिंता कर पाए? मैं आपको वादा करता हूं, ये नया जिला बना है उसे बहुत सी चीजों की जरूरत होगी, उसको विकास के लिए बड़ी गंभीरता से कुछ काम करने पड़ेंगे। आप महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना दीजिए, पूर्ण बहुमत वाली, पालघर को भले अभी अभी पैदा हुआ जिला है लेकिन महाराष्ट्र के अच्छे से अच्छे जिलों में उसको लाकर का खड़ा दे करने का काम हम करेंगे। ये पालघर जिला ऐसा है जहां सागरी लोग भी है, नागरी लोग भी है, और डांगरी लोग भी है। मेरे आदिवासियों का कल्याण, भाइयों बहनों, ये कांग्रेस की सरकार देश आजाद हुआ तब से बनी है कि नहीं बनी है? पहले प्रधानमंत्री नेहरू बने थे कि नहीं बने थे? इंदिरा गांधी ने राज किया कि नहीं किया? राजीव गांधी ने राज किया कि नहीं किया? पर्दे के पीछे सोनिया बहन ने राज किया कि नहीं किया? सबने किया ना? मुझे बताइए, ये हमारा आदिवासी समाज पहले था कि नहीं था? जरा जोर से बताइए, आदिवासी समाज पहले था कि नहीं था? देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा तब बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासियों ने आजादी का जंग लड़ा था कि नहीं लड़ा था? प्रभु रामचंद्र जी की मदद आदिवासियों ने की कि नहीं की? छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई में आदिवासियों ने हिस्सा लिया कि नहीं लिया? इतने सालों से आदिवासी है लेकिन कभी कांग्रेस की सरकार को आदिवासियों की याद आई थी क्या? भाइयों बहनों,
50 साल तक कांग्रेस ने कभी आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय नहीं बनाया, अलग बजट नहीं तय किया, अलग मंत्री नहीं बनाया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार बनी। हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहली सरकार बनी जिस सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, आदिवासी को ही उसका मंत्री बनाया, सरकारी खजाने से आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग बजट बनाया। और भाइयों बहनों, इस बार भी बजट में हमने वन बंधु कल्याण योजना के तहत निश्चित समय सीमा में आदिवासियों के कल्याण की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, जिसका लाभ यहां के मेरे आदिवासी भाइयों को मिलने वाला है। भाइयों बहनों, नगरों में भी, हम मुंबई के निकट है, कितना विकास हो सकता है। यहां के लोगों को अगर अच्छे से रेल का नेटवर्क मिल जाए तो यहां के नौजवान को रोजगार के लिए कहां पर भी पहुंचना है तो आराम से पहुंच करके रात को घर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। भाइयों बहनों, हमारा एक सपना है, 8 साल के बाद भारत की आजादी के 75 वर्ष होने वाले हैं। देश के महापुरुषों ने आजादी के लिए अपना जीवन दे दिया, फांसी के तख्त पर लटक गए, जवानी जेलों में काटी, कितने कितने कष्ट झेले। उन महापुरुषों ने हमें आजादी किसके लिए दिलवाई थी? ये आजादी अमीरों के लिए नहीं है, ये आजादी धन्ना सेठों के लिए नहीं है, ये आजादी बड़े बाबुओं के लिए नहीं है, ये आजादी गरीब लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए, उनका कल्याण करने के लिए है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने सपना संजोया है कि 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे तब हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा न हो जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर न हो, ऐसा एक भी परिवार न हो। आजादी के बाद गरीब परिवार को रहने के लिए घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा जोर से बताइए, घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अपना घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, और घर कहने के लिए सिर्फ चार दीवारें नहीं, मेरा सपना है ऐसा घर हो जिस घर में बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, नजदीक में बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल हो, बुजुर्ग अगर बीमार हो जाए तो पास में अस्पताल हो, ऐसा घर उसको मिलना चाहिए। और इस काम पर मैं, भैया बहनों, अब तो जगह नहीं है, आप वहीं बिठाइए ना, अब मैदानी छोटा पड़ गया, क्या करेंगे? हाँ, अब जो आए वहीं बिठाइए आप पीछे। हाँ, यहां जगह ही नहीं, कहां भेजोगे आप? इधर भी भाई पीछे ही रोक लीजिए, जगह ही नहीं बची है। भाइयों बहनों, मैं 13 साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन गुजरात में कभी सुबह 9 बजे
पब्लिक मीटिंग करने की हिम्मत मैंने नहीं की। मैं सच बता रहा हूं, सुबह 9 बजे कोई नहीं आता। मैं हैरान हूं जी, 9 बजे इतनी बड़ी संख्या। भाइयों बहनों, ये पॉलिटिकल पंडितों को समझ आएगा कि पालघर में क्या होने वाला है। आप इतना सुबह सुबह जल्दी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं भाइयों, बहुत आभारी हूं। भाइयों बहनों, भले हम सागरी हो, डोंगरी हो, अनागरी हो, अगर हमें विकास करना है तो हमें नौजवान को रोजगार देना होगा। और नौजवान को रोजगार देने के लिए हर नौजवान को हुनर सिखाना, स्किल डेवलपमेंट, एनसीपी कांग्रेस ने स्कैम महाराष्ट्र बनाया, हम स्किल महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं, स्किल महाराष्ट्र। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार ने महाराष्ट्र को बर्बाद कर दिया है। भ्रष्टाचार करने में उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा जी, कुछ नहीं छोड़ा। अमीरों को भी लूटा, गरीब का खाना भी लूट लिया, किसान का पानी लूट लिया, मजदूरों का काम लूट लिया। इतना ही नहीं, करगिल के शहीदों की विधवाओं के घर भी लूट लिए इन्होंने। इतना ही नहीं भाइयों, मध्याह्न भोजन में बच्चे की थाली में से भी मार गए लोग, उसमें से भी चोरी कर गए। भाइयों बहनों, ये महाराष्ट्र को लूट देना है क्या? पूरी ताकत से बताओ, क्या महाराष्ट्र बचाना है कि नहीं बचाना? महाराष्ट्र बचाना है कि नहीं बचाना है? अगर आज महाराष्ट्र बचेगा तो आपके बच्चों का भविष्य बचेगा भाइयों। अगर महाराष्ट्र ऐसे ही लूटता रहा तो आप बर्बाद होंगे, इतना ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं, महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनने वाली है। हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनने वाली है। और भाइयों बहनों, इन दोनों राज्यों को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ खड़ा हूं। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और परसों 15 तारीख को मतदान होने वाला है। भाइयों बहनों, ये 15 तारीख को कमल के निशान पर उंगली दबा करके आसुरी शक्तियों को नाश करना है भाइयों। 15 तारीख को 15 साल के भ्रष्टाचार का मृत्यु गंध बजाना है। 15 तारीख को बेईमानों को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का मौका है भाइयों। भगवान श्री कृष्ण की उंगली में ताकत थी, भगवान श्री कृष्ण की उंगली में ताकत थी, वो सुदर्शन चक्र से आततायियों का नाश किया था। कलयुग में, लोकतंत्र में, आपकी उंगली में भी वैसी ही ताकत है। आप कमल पे बटन दबाइए, सारी आसुरी शक्तियां नष्ट हो जाएगी भाइयों।
भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, भाजपा के सभी प्रतिनिधियों को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए और महाराष्ट्र में विकास के युग का आरंभ कीजिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। सभी उम्मीदवार मेरे पास आ जाए, उम्मीदवार यहां आ जाए, सारे उम्मीदवार आ जाए। दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज गुजरात तक जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।